प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज हम जातक कथाओं से आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोचक कहानी जिसका शीर्षक है मूषक व्यापारी। बहुत पुरानी बात है, पाटली नगर में एक युवक रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और संयोग की बात है कि उस राज्य का कोषाध्यक्ष अपने एक मित्र के साथ उसके आगे आगे सड़क पर जा रहा था। सड़क पर चलते चलते कोषाध्यक्ष के मित्र ने कोषाध्यक्ष से पूछा कि मित्र, क्या बात है? राजकोष धन से लबालब है, राजा तुम पर इतना विश्वास करते हैं और राज्य में सब कुछ समृद्धि है, आखिर इसके पीछे इसका राज क्या है? कोषाध्यक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेहनत और बुद्धिमानी। अध्यक्ष ने कहा कि मित्र, मैं समझाता हूँ, वो मरा हुआ चूहा देख रहे हो, यदि कोई बुद्धिमानी से काम ले तो उस चूहे से भी व्यापार खड़ा किया जा सकता है। मृत चूहे से? उसके दोस्त ने उसकी खिल्ली उड़ाई। युवक बातें सुनता हुआ उनके पीछे पीछे जा रहा था। उसने सोचा, कोषाध्यक्ष ने इतनी गहरी बात कही है, जरूर इसमें कोई राज होगा। उसने वो मृत मूषक हाथ में उठा लिया और आगे बढ़ने लगा। सामने से एक व्यापारी गोद में बिल्ली लेकर आ रहा था। अचानक वो बिल्ली उसके हाथ से छूटकर एक तरफ भागने लगी। व्यापारी ने देखा सामने से एक युवक हाथ में मृत मूषक लटकाए हुए आ रहा है। व्यापारी के सब समझ में आ गया। उसने उस युवक से कहा कि मित्र, मेरी बिल्ली के लिए क्या तुम इस मूषक को बेचोगे? युवक ने कहा, क्यों नहीं श्रीमान, और उसने वो एक पैसा लेकर वो मृत मूषक उस व्यापारी के हवाले कर दिया। मृत मूषक को बेचकर पाए हुए धन एक पैसे को लेकर युवक आगे बढ़ा। सोच रहा था आखिर इस एक पैसे से क्या किया जाए, तभी उसके दिमाग में कोषाध्यक्ष की बात याद आ गई कि सूझबूझ और बुद्धिमानी से कोई व्यापार किया जा सकता। आगे चलकर युवक ने एक पैसे का गुड़ खरीदा और एक मटके में ठंडा पानी भरकर वहां गया जहां से जंगल से लोग फूल तोड़कर शहर की तरफ आते थे। दोपहर बाद जब लोग फूल तोड़कर शहर की तरफ आने लगे, तब युवक ने उन्हें गुड़ का पानी पिलाया जिससे उनकी थकान उतर गई। लोगों ने उसको कृतज्ञतावश थोड़े थोड़े फूल भेंट कर दिए। शाम होते होते युवक के पास फूलों का एक बड़ा ढेर हो गया और वो शाम को उन फूलों को लेकर शहर के मंदिर के पास जाकर उन फूल को बेच आया। इससे उसे 20 पैसे प्राप्त हो। युवक ने उन पैसों से बहुत सारा गुड़ खरीदा, एक बड़े मटके में ठंडा पानी लिया और जंगल के उसी रास्ते पर बैठ गया। वहाँ से बहुत सारे घसियारे जंगल से घास काट कर आते थे। उसने उन सबको कहा कि मित्र, आप लोगों को अगर थकान है तो आप ये ठंडा पानी पी सकते। अगले दिन उसे पता चला कि घोड़ों का एक बहुत बड़ा व्यापारी अब 500 घोड़े लेकर उस शहर के अंदर बेचने आ रहा है। उसने सोचा कि यदि मैं उन घोड़ों के लिए घास का इंतज़ाम कर दूंगा तो उससे मुझे अच्छी कमाई हो सकती है। वो तत्काल घसियारों के पास गया। 500 घसियारों से उसने कहा कि यदि आप सब मुझे एक एक गट्ठर घास का दे दें और मुझसे ये वादा करें कि अगले दिन आप सब घास नहीं बेचेंगे तो मैं आपका उपकार जीवन भर नहीं दूंगा। उन सब घसियारों ने उसे एक एक गट्ठर घास का सप्रेम भेंट कर दिया। अगले दिन जब घोड़ों का व्यापारी घोड़े लेकर उस शहर में आया तो उसे उस शहर में कहीं भी घास नसीब नहीं हुई। उसने बहुत खोजा, आखिर शहर के एक कोने में उसे एक युवक 500 गट्ठर घास के लिए हुए बेचता हुआ मिला। व्यापारी ने उससे कहा, क्या तुम मुझे ये घास बेचोगे? युवक ने कहा, हाँ श्रीमान, आप शौक से लीजिए, मेरे पास आपके 500 घोड़ों के लिए 500 गट्ठर ताज़ी घास है। व्यापारी खुश हो गया। 500 घोड़ों की घास के बदले में उसने उस युवक को 1000 तांबे के सिक्के दिए। अब युवक के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया। अगले दिन उस युवक को मालूम चला कि एक बहुत बड़ा पानी का जहाज़ बहुत सारे व्यापारियों के बेशकीमती माल से भरा हुआ उस शहर के अंदर व्यापार करने आ रहा है। तो उस युवक ने बहुत सोचा कि वो क्या कर सकता है। आखिर उसके दिमाग में एक युक्ति आई। उसने एक रथ किराए पे लिया, 2 नौकरों को लिया और स्वयं बहुत अच्छे कपड़ों में सज धज कर वहाँ पर उस जहाज़ का इंतज़ार करने लगा। वो जहाज़ बहुत सारा कीमती सामान लेकर वहाँ उस शहर में पहुँचा तो युवक ने उन व्यापारियों का बहुत सारा स्वागत किया और उन्हें भेंट प्रदान की। व्यापारी बहुत खुश हो गए। व्यापारियों ने कहा, हम तुम्हारे किस काम आ सकते हैं? युवक ने कहा कि मेरे पास कुछ धन है, मैं बाकी धन का इंतज़ाम करने के लिए आपसे कुछ समय चाहता हूँ, यदि आप उपयुक्त समझें तो ये सारा माल आप मुझे बेच दें। व्यापारियों ने कहा, अरे वाह, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये माल हमने आपको बेचा। थोड़ी ही दूर उस युवक ने एक बड़ा तंबू लगाया और वहाँ पर उस शहर के व्यापारियों का इंतज़ार करने लगा।
थोड़ी ही देर बाद जब उस शहर के व्यापारी उस जहाज का माल लेने के लिए वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वहां तो सारा ही माल बिक गया है और उस युवक ने वो सारा माल खरीद लिया है। वो व्यापारी उस युवक के पास पहुंचे और कहा कि ये बेशकीमती माल अगर तुम हमें बेचोगे तो हम तुम्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करेंगे। युवक ने उनकी बात तत्काल मान ली और 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं में से उस माल का कुछ पैसा चुकाकर उसने बाकी धन अपने पास रख लिया। इस तरह उसके पास काफ़ी सारी स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी हो गईं और वो बहुत खुश हो गया। उसके दिमाग में ये बात आई कि यह सारा धन उसने कोषाध्यक्ष महोदय की दी हुई शिक्षा से ही कमाया है, इसलिए उनसे मिलकर उनको कुछ भेंट अर्पण जरूर करनी चाहिए। इसके बाद वो कुछ उपहार खरीदकर कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कोषाध्यक्ष महोदय के घर गया। वहाँ पर उसने कहा कि महोदय, आप मुझसे गुरु दक्षिणा प्राप्त कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। कोषाध्यक्ष ने आश्चर्य से कहा कि युवक, मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा और ये गुरु दक्षिणा किस बात की? फिर उसने मृत मूषक के मिलने से लेकर अब तक की सारी कहानी उन कोषाध्यक्ष महोदय को बताई कि आपकी दी हुई शिक्षा, मेहनत और बुद्धिमानी से मैंने काफ़ी धन अर्जित कर लिया है। कहानी सुनकर कोषाध्यक्ष बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी सुंदर सुपुत्री का विवाह उस युवक के साथ कर दिया और अपनी सारी संपत्ति का उसको मालिक बनाकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम बुद्धिमानी और मेहनत पर विश्वास रखें तो हम जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। अगली बार एक और रोचक कहानी के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।